और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। शुभनम गिल ने दोहरा शतक लगाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये दोहरा शतक लगाया गया है, शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया है। और आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया गया, एक नया कीर्तिमान शुभमन गिल की ओर से रचा गया है। ऐसे में अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 4 चांद जाहिर तौर पर ये दोहरा शतक साबित होने वाला है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया है, ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। और ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय टीम को भी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद वनडे में ये दोहरा शतक लगाया गया है। शुभमन गिल की ओर से ये डबल सेंचुरी जो मारी गई है, वो भी हैदराबाद के खिलाफ। जाहिर तौर पर अंडर क्रिकेट टीम की अगर लिस्ट देखें तो हैदराबाद वनडे में दोहरा शतक लगाया गया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ गिल ने 145 गेंद में ये डबल सेंचुरी मारी है, यानी कि 200 रन बनाए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से रनों का पहाड़ यहाँ पर लगा दिया गया है। और ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती अब टीम के सामने खड़ी हुई है कि किस तरीके से इस रन को ओवरकम किया जाए। तो ये देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया है। इससे पहले श्रीलंका और भारत के बीच में जो 3 मैचों की सीरीज खेलने को दिखी थी, उसमें भी गिल का शानदार प्रदर्शन रहा था। और एक बार फिर से अपने उस प्रदर्शन को दोहराते हुए, आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये डबल सेंचुरी यहां पर लगा दी गई है। तंगी और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान में आटे पर संग्राम मचा हुआ है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब अमेरिका से पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि एक अमेरिकी सांसद ने प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान पर एक बिल पेश किया है और जिसमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरह मुख्य 11 नेटो सहयोगी की लिस्ट से बाहर करने का प्रस्ताव है। और अगर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ये बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। यानी कि पाकिस्तान उसके मुख्य सहयोगी की लिस्ट से जो है वो बाहर हो जाएगा। फिलहाल सदन में पेश इस बिल को हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी को भेज दिया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि पिछले साल ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से ये दर्जा छीन भी लिया था, लेकिन अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान पर यह खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल अमेरिका के 18 गैर नाटो सहयोगी देश है जिनमें कई देशों की मौजूदगी है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र समेत कई देश शामिल हैं। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर से